हाय दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ कि आप अंडर 16 में स्टेट टीम में कैसे खेल सकते हो, स्टेट टीम में आपका सिलेक्शन कैसे होता है, और मैं विजय मर्चेंट ट्रॉफी के बारे में ही बताने वाला हूँ जो कि अभी तक फेमस बहुत चल रहा है, अभी उसका टूर्नामेंट चल रहा है, और आप विजय मर्चेंट ट्रॉफी में आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी है उसे बजा लीजिए और मेरे इस वीडियो का मजा लीजिए। तो देखिए गाइस, बेसिकली विजय मर्चेंट जो ट्रॉफी है ये स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होता है, ठीक है। अब अगर आपको स्टेट लेवल टूर्नामेंट में आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट होना पड़ेगा एंड देन आप स्टेट लेवल में सिलेक्ट हो पाओगे। तो यहाँ पर शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अगर आप जो भी एकेडमी ज्वाइन करते हो उसमें अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस करते हो तो आप एकेडमी की टीम से लोकल टूर्नामेंट्स खेलते हो। और गाइस लोकल टूर्नामेंट्स के खेलने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स देने पड़ते हैं, अंडर 16 के डिस्ट्रिक्ट ट्रायल जो कि नवंबर में होता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट ट्रायल में सेलेक्ट होने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट के मैचेस खेलवाए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मैचेस होते हैं उसमें आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करना पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैचेस में बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बाद आपको रोका जाता है उसके बाद फिर से, और आपको क्या लिया जाता है, आपको स्टेट के लिए ट्रायल भेजा जाता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में अगर आप बढ़िया प्रदर्शन करते हो तो वही लोग विजय मर्चेंट ट्रॉफी का जो होता है सिलेक्शन उसका ट्रायल देते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें मेन चीज़ क्या है कि आपको डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा तभी आपको स्टेट के जो ट्रायल्स होंगे, विजय मर्चेंट ट्रॉफी का ट्रायल होगा उसमें, तभी आप मतलब कि भाग ले सकते हो, वरना आप नहीं ले सकते हो भाग। तो डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बाद स्टेट के टीम में आपको स्टेट का जो ट्रायल होता है उसको क्लियर करना पड़ता है, और स्टेट का ट्रायल क्लियर करने के बाद आप विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट कर लिए जाते हो। जैसे कि गाइस मैं रहता हूँ झारखंड में, झारखंड के बाद धनबाद में, तो धनबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं उस टीम में सेलेक्ट होता हूँ। उसमें सेलेक्ट होने के बाद झारखंड में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बीच मैच करवाए जाएंगे, और उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा स्टेट टीम के लिए, और स्टेट टीम में बढ़िया पर स्टेट ट्रायल के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर आप स्टेट ट्रायल में बढ़िया करते हो तो आपको विजय मर्चेंट ट्रॉफी में सिलेक्शन मिल जाता है। गाइस देखिए, एक बहुत ही बढ़िया चांस होता है कि आप अंडर 16 से ही अंडर 19 के इंडियन टीम में खेल सकते हो, या फिर आप अंडर 16 से ही डायरेक्ट IPL में भी खेल सकते हो अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होता है। ज़्यादा आपके चांसेस तो ये होते हैं कि आप अंडर 19 इंडियन टीम में खेल सकते हो अगर आप अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हो। तो गाइस बेसिकली बात ये है कि ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है, जो जल्दी क्रिकेटर बन सकते हैं अगर अंडर 16 में अचानक वो विजय मर्चेंट ट्रॉफी में सेलेक्ट हो जाते हैं। प्रोसेस बस वही है, आप डिस्ट्रिक्ट खेलते हो, डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस करने के बाद स्टेट खेलते हो, और स्टेट में ही आपका ट्रायल होता है, उसके बाद आप विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए भी सिलेक्ट कर लिए जाते हो। तो बस गाइस यहाँ पर ये इतना ही वीडियो था। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और कोई भी परेशानी आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।